ओके, तो हम बात करेंगे कि हमारा ARP कैसे काम करता है। ARP स्टैंड फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो जब हम ARP की बात करें, यहाँ पे हम लैन की, बेसिकली इथरनेट की बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं भाई कि जो हमारा लैन होता है, हमारा इथरनेट होता है, वो हमारे टिपिकली दो लेयर से डिफाइन किया गया है। एक तो फिजिकल लेयर है, एक हमारा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के दो सब लेयर होते हैं जो LLC और MLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल के नाम से जाने जाते हैं। जब इस लैन में कोई डिवाइस ए, और इनका अगर इस तरह हम नाम रख दें बी सी और डी, ए डिवाइस कोई फ्रेम फॉरवर्ड करना चाहता है डी को, तो उसको रिक्वायरमेंट क्या होती है? सोर्स और डेस्टिनेशन की मैक एड्रेस। सोर्स का तो उसको पता होता है कि सोर्स मैक एड्रेस क्या है, बट डेस्टिनेशन मशीन जो हमारी बी सी या डी हमारे नेटवर्क में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका मैक एड्रेस उसको पता नहीं होता। तो कैसे पॉसिबल है कि उसको वो मैसेज फॉरवर्ड करेगा, वो फ्रेम कैसे फॉरवर्ड करेगा? उसके लिए वो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का हेल्प लेता है, जिसे हम ARP कहते हैं। ARP क्या करता है कि एक फ्रेम भेजता है जिसमें अपना सोर्स मैक एड्रेस फिलअप करता है और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब सभी एफ रहता है ना, FFF ब्रॉडकास्ट करता है। उस ब्रॉडकास्ट फ्रेम जब स्विच के पास आता है, ये हमने स्विच दिखाया है यहाँ पे, तो स्विच क्या करता है भाई? स्विच का काम क्या है कि रिसीव किए गए फ्रेम में से वो देखता है कि किस पोर्ट से मैंने ये फ्रेम रिसीव किया, उसका मैक एड्रेस क्या है, दूसरा डेस्टिनेशन किस पोर्ट पे जाना है। तो अपने कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी में वो खोजता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, क्योंकि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है यहाँ पे, ब्रॉडकास्ट है, डेस्टिनेशन एड्रेस ब्रॉडकास्ट है। तो वो सभी को फ्रेम फॉरवर्ड कर देता है, जिस पोर्ट से रिसीव करता है उसको छोड़ दिया जाए तो सबको वो फॉरवर्ड करता है। अभी डेटा भेजने से पहले यह काम किया जाता है, डेटा नहीं भेजा गया है यहाँ पे, सिर्फ ARP रिक्वेस्ट गई है हमारी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिससे उस मशीन की मैक एड्रेस हम जाने, यानी कि आईपी से मैक का रिजोल्यूशन ही कहलाता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल से। डेस्टिनेशन की आईपी हमने तो डाल दी कि किससे पिंग करना है या पैकेट भेजनी है, बट उसका मैक एड्रेस नहीं पता है, उस केस में ये हमारा ARP काम करता है। बाय डिफॉल्ट हम बात करें तो ARP अपने आप क्रिएट होता रहता है, जैसे आप नेटवर्क में हो और नेटवर्क में कोई डेटा होता है आपने एक्सेस किया पहले, तो ब्रॉडकास्ट मैसेज सभी मशीनें सुनती रहती हैं और एक ARP टेबल बना के रखते हैं। ARP टेबल बना के रखते हैं, अगर आप अपने मशीन में कमांड पे जाते हो, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल स्पेस हाइफन ए कमांड चलाते हो, तो जितनी टेबल्स बनी होती हैं मैक एड्रेस करस्पॉन्डिंग मशीनों के नाम आपको मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास मैक टेबल था नहीं, मैक टेबल अभी था ही नहीं, और अब कहीं जाके हम मैक टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके हम फ्रेम कहीं फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो ARP रिक्वेस्ट जब स्विच के पास भेजी जाती है, स्विच सभी पोर्ट्स पे फॉरवर्ड करता है, और वही फ्रेम, इस फ्रेम में सोर्स एड्रेस तो इसी मशीन ए का लिखा होता है, लेकिन डेस्टिनेशन में जो पोर्ट मैक एड्रेस लिखी होती है वो सभी कुछ एफ होता है। एफ का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट करें। तो सभी मशीनें लिसन करती हैं और वो रिप्लाई करती हैं। रिप्लाई किस पे करेंगे? वो जो ये सोर्स एड्रेस था, अब इस मशीन का ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हो जाएगा, उस मैक एड्रेस को रिप्लाई करेंगे कि मेरा एक मैक एड्रेस ये है, आईपी एड्रेस ये है, मेरा मैक एड्रेस ये है, आईपी एड्रेस ये है, मेरा मैक एड्रेस ये है, मेरा आईपी एड्रेस ये है। तो उनसे करस्पॉन्डिंग वो एक टेबल बना लेता है। बाय डिफॉल्ट ये 5 मिनट में टेबल अपडेट हो जाता है। अपडेट का मतलब क्या है कि 5 मिनट तक ये मशीन नेटवर्क में रही, 5 मिनट के बाद अगर ये कोई ARP रिक्वेस्ट नहीं भेजता है तो ये कंसीडर करेगा कि ये नेटवर्क में मशीन अब नहीं स्टेब्लिश कर रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये 5 मिनट के अंतर, एक निश्चित अंतराल के अंतर वो अपने टेबल्स में अपडेट करता रहता है। ओके, तो इससे क्या होता है? अब ये डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस पाएगा और जो भी इसको पैकेट भेजना है उसमें अपना सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन का सोर्स मैक एड्रेस की यहां पे बात कर रहे हैं ना, एंटर करता है और देन स्विच को फॉरवर्ड करता है।
और स्विच क्या करता है, रिसीव किए गए फ्रेम में से एक तो सोर्स एड्रेस देखता है, सोर्स का मैक एड्रेस, एक डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस जैसा कि अभी हमने बताया आर्क के थ्रू रिजॉल्व हुआ, इसके पास एंट्री हो गई। ये सिर्फ इस मशीन के पास एंट्री नहीं होगी, लगभग सभी मशीनों के पास इसी विधि से सबकी एंट्री हो जाती है। जैसे कोई अननोन डेस्टिनेशन मिलेगा तो वो फिर से आर्क के लिए वो ब्रॉडकास्ट फ्रेम फॉरवर्ड किया जाएगा हमारे स्विच को, ठीक है। अब ये सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद हमारे स्विच पे देंगे और स्विच ये डिसीजन लेगा कि किस डिवाइस को हमको फॉरवर्ड करना है। क्योंकि स्विच का काम क्या है भाई, स्विच तो या तो फॉरवर्ड करेगा पैकेट सॉरी फ्रेम को, या फिल्टर करेगा। जैसे फिल्टर की बात करें वीलेन है ना, या तो फ्लड करेगा, फ्लूट करेगा। फ्लूट का मतलब क्या होता है, ब्रॉडकास्ट आप कह सकते हो। फ्लूट किस कंडीशन में करता है, फॉरवर्ड किस कंडीशन में करता है, फिल्टर किस कंडीशन में करता है। स्विच को जब नॉन मैक एड्रेस, यहां पे हम कंसीडर करते हैं डिवाइस डी है जो सोर्स है और डेस्टिनेशन हमारा सी है जिसको डेटा मिलना है। आर्प रिक्वेस्ट होने के बाद अगर मैक एड्रेस इसको पता है तो सोर्स एड्रेस और मैक एड्रेस की एंट्री करता है फ्रेम में, फिर फॉरवर्ड कर देता है। स्विच हमारा किस पे काम करता है, बेशक वो मैक एड्रेस पे ही काम करता है। तो मैक एड्रेस को वो रीड करता है, सबसे पहला काम उसका क्या होता है, रीड करता है। अगर यहां पे हमने नॉर्मली वीलेन नहीं लगाया है या ACL नहीं क्रिएट किया है, ऐसा कुछ हमने नहीं पॉलिसी लगाई है, पोर्ट को शट डाउन नहीं किया है, तो वो क्या करेगा, उस फ्रेम को फॉरवर्ड कर देगा इस पोर्ट पे, क्योंकि मैक एड्रेस जो लिखा है सी मशीन की लिखी है, सी कंप्यूटर का लिखा है। दूसरा कंडीशन क्या है, फिल्टर करना। फिल्टर के लिए देखो कई पैरामीटर हमारे हो सकते हैं। फिल्टर के लिए एक पैरामीटर तो ये हमारा हो सकता है कि डिफरेंट व्हील है। दूसरा पैरामीटर क्या हो सकता है, अगर हम यांत्रिक स्विचेस की बात करें तो पैरामीटर होता है कि ACL लगाया गया है, एक्सेस लिस्ट कंट्रोल, उसके अकॉर्डिंग भी वो डिसीजन लेगा पैरामीटर को यूज करते हुए। तीसरी कंडीशन यहाँ पे स्विच के साथ क्या है, कब ये फ्लड करेगा, फ्लूट करेगा। फ्लूट का मतलब होता है कह लो कि ब्रॉडकास्ट या बहाव, वो इस कंडीशन में करता है जब अपने कैम में कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी में दो कंडीशन होते हैं, एक तो अननोन डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मिलेगा तब, क्योंकि भाई अपने टेबल में मैक एड्रेस को ढूंढता है, जितने नॉन मैक एड्रेस होते हैं उनकी एंट्री तो होती है वहां पे, तो उनको फॉरवर्ड कर देता है पर्टिकुलर पोर्ट पे। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि जिस मैक एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है वो अननोन है, उस केस में फ्लूडिंग करेगा। जबकि दूसरा केस क्या है, जब कोई ब्रॉडकास्ट पैकेट आएगा, जैसे हमने अर्प की बात की, जैसे हमारा DSCP के लिए रिक्वेस्ट जा रहा है, ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स के लिए ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजी जाती है, यह हमारा कहलाता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। फिर से एक बार मैं बताऊं, हमारे इथरनेट लैन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर से काम करता है, हम कह सकते हैं डिफाइन किया गया है। और डेटा लिंक लेयर को दो सब लेयर में बांटा गया है, LLC और MAC, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। हमारे लैन की हम बात करें, इथरनेट लैन की बात करें, तो लैन में चूंकि हमारा फ्रेम फॉरवर्ड होता है, और स्विच ये क्या है, नॉर्मल स्विच है, ये तो IP पे काम नहीं करेगा, है ना, IP पे तो काम नहीं करेगा। जो लेयर 2 का आइडेंटिफिकेशन होता है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल या मैक एड्रेस ही होता है, वो तो L3 का होता है लॉजिकल एड्रेस आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो मैक के अकॉर्डिंग ही स्विच हमारा डिसीजन लेता है कि किस पोर्ट पे या किस डेस्टिनेशन पे हमें वो फ्रेम को फॉरवर्ड करना है, इस प्रकार वो फॉरवर्ड कर देता है। आर्प रिक्वेस्ट हमारी जनरेट होती है और देन वो डिसीजन लिया जाता है। ओके,